गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग ने चेकआउट कर दिया होटल से, अभी निकल रहे हैं हम लोग होटल मतलब बालाजी के लिए, मेहंदीपुर बालाजी के लिए। तो वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे, अभी बस में जा रहे हैं, बस में से निकल के मतलब बस का टिकट विकेट लेके हम लोग वहीं पर ही मिलते हैं। तो अभी लालू वहाँ पर एटीएम गया है, वो सामने देखो, देखो ये देखो दिख रहा है, हाँ वहीं गया वो। तो अभी मिलेंगे हम लोग रास्ते में चलते हुए बस में। तो ये वाला ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है बालाजी वाला, तो मिलते हैं आप बस में। देखो भाई क्या सीन है इनका, इस लड़के ने सिर्फ पैर मार के इसको गिराया है, गलत है यार गलत। देखो गाइस ऊंट की फोटो लेने के आ जाओ, ऊंट की ये देखो ऊंट खड़े हैं पीछे। यार गलत तेरी ले लेता यार मैं, तू भी तो ऊंट से कम थोड़ी है, ज्यादा नहीं हो रहा तेरा। चलो गाइस अटैची लेके चल रहे हैं हम, देखो चलो भाई अब इस पर फोटो खींचेंगे आगे साइड से। देखो भाई इंडिया, हम ये इंडिया कह रहे हो, इंडिया गेट निकलने वाला था मेरे मुंह से। हाड़ू श्याम जी के द्वार आ चुके हैं हम लोग, यहाँ पर हवा इतनी बढ़िया है, नाचेगा नाचेगा। चलो ये देखो बहुत बढ़िया हवा चल रही है, देखो देखो वो देखो हवा चल रही है। चलो अभी यहाँ पर मैं थंबनेल वंबनेल निकाल लूंगा यहाँ पर, सही है। ये देखो क्या लिखा है भाई, लंबा बोल के बता एक बार, क्या क्या लिखा है लंबा। अरे यहाँ तो खड़ा क्यों है यार, कंडक्टर साहब खड़े हैं देखो इधर, कंडक्टर काकू कोई बात नहीं, देखो ये खड़े हो गए जाएगा पूरे दो घंटे तक, सही है सही है। अब ऐसे को ऐसे खड़े रखना दो घंटे, अब पता चलेगी तुझे, अब देख तू, अब देख, अब देख तू। अरे अरे चल, अरे चल साले राजस्थान में, राजस्थान में बहुत पिटेगा तू। अभी जयपुर, जयपुर के हम लोग बस स्टैंड पहुंच चुके हैं, हालत देख ही रहा कितनी बढ़िया हो चुकी है, देखो सबकी हालत ही ऐसी हो गई है, मैं नोवा नहीं हूँ यहाँ पर, सबकी हालत एक ऐसी हो गई है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है यहाँ का, टेम्परेचर मैं बताऊँ तो 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होगा, 40 तो नहीं होगा लेकिन हाँ 35 से ऊपर ही होगा, 35-36 तो होगा ही। तो कुछ नहीं कह सकते भैया, हालत ऐसी है और बर्दाश्त कर लो। बाकी ये मैंने बताया नहीं, ये सावन के चक्कर में मैंने बनाया। आ गई बुआ भी आ गई, अभी खाने का इंतजाम देख रहे हैं, भूख लग रही है खावा लें, तो चलो फिर खा लें खाना, अभी मिलेंगे। भूख लग रही है, हैं मुझसे पूछ रहा है, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, लग रही है यार टाइम हो गया भूख का, 2:30 बज रहा है, चलो फिर खाना खा लें। देखो यहाँ पर मौसम चेंज हुआ पड़ा है, अभी धूप थी अब गायब है, अरे बैग गायब होगा, चलो मैं खा लिया। तो गाइस अभी खाने वाने के पहुँच चुके हैं हम लोग, देख लो रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखो सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसा कहा है बैठे हो। तो देखो ये सब बैठा हुआ है भाई, पानी पी लो यार मेरे को ही प्यास लग रही है, ठीक है पानी अच्छा है, पानी यहाँ पर नमकीन होता है ना इसलिए डर लगता है, तेल ली करा मैंने पी लिया पानी, सही है पानी ठंडा भी है, पानी की बड़ी दिक्कत है यार यहाँ पर, देख लो बोतल खाली हो गई है सब, पानी पानी का बजट, पानी पानी का बजट लेके चलो गर्मियों में, तो 1000-1500 रुपए पानी का अलग, बहुत पानी का बहुत सिस्टम है यार, मखमली कोफ्ता, मखमली पनीर, ये देखो मखमली पनीर, मखमली पनीर टिक्का, मशरूम मसाला, मखमली बैड नहीं है यहाँ पर। मखमली बैड मिल जाए तो बढ़िया नींद आ जाए। हाँ तो भाई मौसम हो गया बहुत ही कैड़ा, मौसम हो गया बहुत ही कैड़ा, देख लो अरे हालत इसकी नहीं सुधरेगी, हम सबके सुधर जाएगी।
कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता हमारे भैयों में थोड़ा बहुत। मौसम बहुत बढ़िया हो गया देख लो भाई, मौसम तो सेक्सी हो गया यार। अभी तक मैं बुराई कर रहा था, सुन लेते हैं मेरी, बहुत जल्दी सुनते हैं भगवान, ऐसे सुन लेते हैं, बहुत जल्दी सुन लो इसको, बोरा कर दो। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। इसको इसको थोड़ी अकल दे दो, थोड़ा फैशन सेंस आ जाए इसके अंदर, वो कभी नहीं है। अब मैंने दिलवाया है जो थोड़ा सेंस बनना इसके अंदर, पता क्या पहनेगा जे? अभी शर्ट पहना होगा जी, टाइट वाली टाइट ही पहना, पहन। ये रूम की बात, रूम की बात, अरे घूमने की बात हो रही है भाई जे, रूम की हो रही है, रूम की। ये सारा हमको पागल बना रही है मिलके जे। मारूं बता इसे। चलो यहाँ पर आ गई बहुत ही गहरी बारिश, बहुत तगड़ी बारिश आ चुकी है, देखो देख लो, ये देखो जूम हो जाओ भाई, हो जाओ, हाँ देखो जूम हो रहा है, दिख रही है क्या तुम लोग को? हाँ जी बारिश ही है, देखो जितनी है, देखो मैं ऐसे नहीं दिखेगी, यही दिखाता हूँ, ये देखो नहीं दिख रही यहाँ जी, बारिश ही हो रही है, भैंस की पूछ, बहुत तगड़ी बारिश आ गई है। घूमने उमने का मौसम हो रहा था, पानगढ़ जाने वाले थे, चलो पानगढ़ जाओगे? पानगढ़ कल चलेंगे, कल अब यहाँ पर रूम ले ले, कल कल चलेंगे यहाँ से। अभी रोडवेज पे हम लोग, जयपुर रोडवेज, क्या नाम है यार इसका, नाम भूल गया, सिंधी कैंप, हाँ सिंधी कैंप नाम है इसका, नाम भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। मैं क्या कह रहा हूँ, वो होटल दिख रहा है, उसमें देख झूम मारूंगा, देख लौंडा लो। देख लो अभी हम लोग जयपुर बस स्टेशन से निकल चुके हैं जल महल के लिए, और ये आगे वाले टुक टुक में बुआ बैठी हैं, वो देख नहीं रहे हैं इसके पीछे ऑटो के, देख रहा भाई पिंक सिटी है ये, पिंक सिटी क्यों बोलते हैं देख रहो, ये लोग बैठे हैं देखो, ये रहे देख नहीं रहे हैं। मौसम हो गया बहुत कड़ा, तेरे नाम समझ रहे हो क्या है ये, देख लो भाई हवा महल है ये, देख लो भाई छोटी उम्र पर भरी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपाई। गाइस फाइनली पहुंच चुके हम लोग जल महल, देख रहे हो पीछे जो जल महल है, क्या क्या देखो जल महल दिखा दो, पानी है पानी है, महल पे दिखा दे पीना है, अभी दिखा दूंगा देखो भाई ये जल महल है, देखो भाई जब आपने खुश होके दिया ना, एक खुश होके दूंगा उसी को जिसने 10-20 रुपया रोटी खाने के लिए, सांप है या नहीं मुझे नहीं पता, जिसने 10-20 रुपया दिया ना कमा रहा बंदा वो बढ़िया, ऐसे हाथ कर दो ये बच्चा खड़ा हो जाएगा, सर लंबा हाथ कर दो भैया, सर आगे हाथ कर दो, मैं बच्चा कर दे, हाँ आगे हाथ करियो, कर दो रहे हैं। One eternity later. ले जल्दी, ये तो एक आदमी, लो भैया ये दो, लो मालिक, अरे लो यार ये तीन, लो भैया ये चार, स्टोन है स्टोन है स्टोन है, ऐसा हाथ दिखा दो जिसे मिला, मेरी बात कान लगा के सुनना, मैं एक दो तीन बोलूं मेरा अच्छा ऐसे, ऐसे, ऐसे दिखाना है, ऐसे ऐसे दिखा दूं, जितने भी आदमी हो सब चले जिसके हाथ में ये पीर अब तो आ रहा है भाई, रामलीला में रावण देखो भाई ये सज रहे हैं वहाँ पर, देख रहे हो, अरे रामलीला में जा रहे हैं, रामलीला सर लगेंगे इनके, रामलीला के लिए तैयार हो रहे हैं भाई, रावण तैयार हो रहे हैं भाई यहाँ पर भयंकर, इतने खतरनाक लग रहे हैं, सरारा 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 सरारा, अभी डांस करेंगे आगे, सरारा सरारा, सीता का हरण हो गया है, सीता का हरण हुआ है यहाँ पर, अरे यार राम जी की से ना चली, रावण बढ़िया भाई हमारा, देखो
फोटो आई खींचूंगा, फोटो खींचूंगा। हंसते हुए देखो, हंसते हुए जबरदस्ती पकड़ रहा, चल बहुत तगड़े लग रहा है। मैं देख लो दोनों, मेरी मेरी हालत मुझे नहीं पता क्या हो रही है। अरे आज सांप वाले इधर पागल आ रहा होगा, पीछे तमाशा करके पागल बना रहा है जनता को। इधर पूरे रावण हमारे बीच, राम और लक्ष्मण आए तो मैं काट डालूंगा, काट डालूंगा। एक फोटो मैं नीचे इधर कहीं दे दूंगा, देखना इनका फोटो बहुत तगड़ा है। इधर कहीं फोटो मिलेगा रावण का फोटो। क्या कह रही हो तुम, फोटो रुको, तुम धूप में जाओ, धूप में जाओ। इसी की कमी रह गई थी देखने को, देख लो गाइस, देख रहे हो ये क्या 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 देखने को मिल रहा है आज, ये क्या क्या देखने को मिल रहा है मुझे। टकला बना सरदार, ओए डायलॉग लिख ले, टकला बना सरदार। अब इसको गुजर दे। देख रहा गाइस, देखो जरा। अरे मैं ब्लॉग कर रहा हूँ यार, देख रहा हूँ। अरे भाई क्या ही बोलूँ मैं, बहुत केड़ा सीन है भाई इन लोग का, पसीने हालत देख रहा हूँ सबकी। फोटो चश्मा चेंज कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा है। क्रोशिट हो गया, क्रोशिट क्रोशिट। इधर देख, इधर देख, इधर तो देखा क्रोशिट हो गया इसके सर पे, क्रोशिट। ये देखो क्रोशिट। अरे यार फोटोग्राफी जिंदा चल रही है, क्रोशिट यार। इधर तो आसमान है, कहाँ से आया तेरे ऊपर क्रोशिट? ऊपर तो कुछ है भी नहीं। ये देखो कौए, वो कौए कह रहे हैं, कबूतर बैठे हैं इधर। ये देखो यहाँ पर फिशेस के लिए खाना डाला जाता, देखो 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 देखो, देख रहे हैं भाई। भाई मैं सोच रहा हूँ मछली तो मुझे अभी तक एक भी नहीं दिख रही यहाँ पर, देखो जरा मछली है भी यार, देखो जरा जाके। अरे चल पचल चल पचल, एक भी मछली नहीं दिख रही है देखो भाई। इसमें ये बतख को खिला रहे हैं, इसके अंदर एक डुबकी लगा दे आगे, बहुत गहरा है, वापस मिलेंगे नहीं। ठीक है गहरा है, बहुत गहरा है। वो देखो सामने पोर्ट, अभी निकलने का वक्त हो गया यहाँ से। अब कहाँ चलना गाइस, अब कहाँ चलना है जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। ए क्या देख रहा हो उधर, ब्लॉग में ले लूंगा तुम लोग को। कहाँ चलना है जल्दी बताओ, पक नहीं है। अब जाना है, जाना है मेहंदीपुर। मेहंदीपुर अभी रात में, मतलब अब निकलना है? नहीं अभी नहीं जाएंगे, चलो फिर। पानी बोतल ले लिया ठंडी यार, ले 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 लेना इनसे पानी, ले 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 ले। पानी की बोतल दे दियो, ठंडी देना बिल्कुल, इतनी ठंडी है। वो तो अभी निकलने का वक्त है, निकले यहाँ से, चलो फिर हम मिलते हैं बाद में। यहाँ पर फोटो वोटो बहुत अच्छे क्लिक हुए हैं, बाकी स्लो में एक देख लेना, बाकी बहुत अच्छा था। सिनेमैटिक्स थोड़े बहुत ही डालता हूँ अब मैं, है ना। चलो चलें। अभी तू क्या देख रहा था? मैं देख रहा था वो अंग्रेज आई थी उसकी जैम मोटे पैर दे। अरे यार यार शर्म कर, तू शर्म कर, क्या जज कर रहे यार लोगों को, जज करना गलत चीज नहीं है, जज करना कर रहा है। कह रहे एक आंटी आई थी रसियन, इनके इतने मोटे मोटे पैर थे, ऐसे कह रहा जी, ऐसे कह रहा, क्या कह रहा था देख है अब देख। बहुत गलत आदमी है तू, बहुत कट कर देना प्लीज। जो देखो इनकी शैतानी हर जगह चालू रहती है, देखो क्या करो बताओ। चलो अभी ऑटो में बैठ के चल रहे हैं जयपुर स्टेशन की तरफ, भी बस स्टेशन। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी, देखो भाई यहाँ का सिस्टम भी कैसा है, देखो देखो नहीं जी वो यहाँ पर ये लोग रास्ते में आए पड़े हैं, रूम रूम रूम
और एक्चुअली हम लोग वहीं रुकेंगे, उससे बात हो गई हम लोग की जहाँ पर पहले रुके थे। वो एसी का पूरा दिखा देता हमें, एसी का पूरा फील दे देता हमें, कूलर लगे हुए हैं जो रूम वाले। तो ऑटो वाली वीडियो मैंने बनाई लेकिन उसमें मेरा आवाज़ नहीं आई होगी। यहाँ पर मैं अभी बालाजी में हूँ और जयपुर का ब्लॉग मैं वहीं ख़त्म कर दूंगा घर में, क्योंकि मेरे को एंड करने का टाइम नहीं मिला वो वाला, और बैटरी भी फ़ोन की चले गई थी। तो चलिए अभी मिलते हैं रूम पे, मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है अभी। चलो बाय बाय। आ चुके हैं हम लोग होटल, इनसे बात पहले भी करी थी, यहाँ पर पहले भी रुके थे। देखो गाइस रूम कुछ ऐसे हैं, 4 बेड पड़ा हुआ है यहाँ पर। ओके हालत कुछ ऐसी है, रुकने के लिए तो बढ़िया रूम है भाई, बस ज़्यादा स्पेशल नहीं है। लेकिन हाँ यार ये बहुत ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं भाई। वॉशरूम की हालत दिखा दो कैसी है। स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, स्मेल तो आ रही है फिलहाल। वॉशरूम की हालत कुछ ऐसी है, वो नहीं है इसमें जो हम सब देख रहे थे। कोई बात नहीं, गैर स्प्रे नहीं है इसके अंदर, देखो सही है ना रूम की हालत। तो अभी हम बालाजी में हैं, अब बालाजी में पहुंचे हुए हम लोग। तो यहाँ से हम लोग को स्टे करना है सिर्फ, फिर सुबह को नहा धो के हम लोग को बालाजी के दर्शन करने हैं, ठीक है। तो आज मैं सोच जाऊँगा, मैं कल की तरह गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कल रात में बिग बॉस देख लिया था पूरी रात बैठ के, और मैं सुबह उठ नहीं पा रहा था तो मैं लेट गया, फैमिली के साथ में नहीं गया था, मैं अकेले मतलब लालू और अन्नू के साथ में गया था जैसा ब्लॉग में देख लिया। तो चलो अभी यहाँ पर रेस्ट करते हैं, बाकी मैं अगर हो पाया तो थोड़ी देर में मिलूँगा, वरना सीधा सुबह मिलूँगा, ठीक है। बाय बाय।